सास बहू का प्यार। ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरे हाथों में मेहंदी तो लगा दे, कल एक शादी में जाना है। अभी आई माँ जी। माया गिरजा के हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगा देती है। मैं वारी जावा, ऐसी गुणवान बहू मिली है मुझे। अरे मुझे भी तो इतनी प्यारी सास मिली है। दोनों हंसने लगती हैं। ये बात उनकी पड़ोसन कमला सुन लेती है। बड़ी आई गुणवान बहू और प्यारी सास, सब नाटक है नाटक। कमला स्वभाव से बहुत तेज होती है, उसकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो गिरजा से जलती है। अगले दिन मंदिर में, अरे गिरजा बहन, आज शाम मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है, आप आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर। वही तो, कम से कम इसी बहाने इन बहुओं से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला, मेरी बहू। अरे माया कितने अच्छे भजन गाती है, तुमने नहीं सुना? हाँ हाँ ठीक ही गाती है। मैं तो रोज शाम को माया से भजन सुन के ही सोती हूँ। हाँ हाँ अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को मंदिर में, वाह माया बिटिया, आज तुम्हारा भजन सुन के तो मन खुश हो गया। धन्यवाद पंडित जी, माँ जी चाहती थी कि मैं आऊँ, इसीलिए मुझे आज यहाँ गाने का मौका मिला। भाई धन्य हो गिरजा, इतनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। सो तो है पंडित जी। कमला दूर खड़ी सब सुन रही होती है। इनका प्यार तो अब मैं निकालती हूँ। अगले दिन कमला छत से माया को आवाज लगाती है। अरे माया। जी बुआ जी। जरा इधर तो आना, कुछ बताना है। अभी आई बुआ जी। क्या हुआ? माया कमला के पास जाती है। पता है कल सुबह गिरजा मंदिर में कह रही थी कि उसकी किस्मत फूट गई, जो उसे तेरे जैसी बहू मिली। अच्छा बुआ जी, किसी बात पर गुस्से में कह दिया होगा, आप तो जानती हैं माँ जी मुझे कितना प्यार करती हैं। चाहती ही नहीं थी कि तू मंदिर में आए, वो तो मेरे बहुत कहने पर तुझे लेकर आई। दरअसल बुआ जी, घर पर बहुत काम रहता है ना, इसलिए माँ जी ने सोचा होगा मैं थक जाऊंगी। देखिए ना, कल हम मंदिर से देर रात घर आए तो उन्होंने कोई काम मुझे अकेले नहीं करने दिया, खाना उन्होंने खुद बनाया। अरे ये कलमुही तो अपनी सास की बुराई करने को तैयार ही नहीं। और कुछ बुआ जी? हैं? नहीं नहीं और कुछ नहीं, अब तो जा यहाँ से। अगले दिन मंदिर में, अरे ओ गिरजा, कल तेरी बहू आई थी मेरे पास। माया आई होगी, वो सबसे हंसती बोलती रहती जो है। अरे हंसना बोलना क्या, तुझे कोस रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे सुनने में कोई गलती हुई होगी। कसम से गिरजा, वो कह रही थी मुझे तो मेरी सास ने नौकर समझ लिया है, दिन भर घर का काम करती रहती हूँ मैं और मेरी सास आराम करती है। अरे ज्यादा काम से थक गई होगी तो गुस्से में कह दिया होगा। वैसे भी काम तो वो करती ही है, मुझे आराम की आदत उसी ने लगाई है। जो भी हो थोड़ी नकेल कस ले, बाद में ये बहुएं सास को घर से ही निकाल देती है। कैसी बातें करती हैं कमला, मैं तो कहूँगी तू अपनी बहू के साथ प्यार से रहा कर, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया कर। बड़ी आई मुझे सिखाने, मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था, नहीं सुनना तो जा यहाँ से। अगले दिन, क्या हुआ माँ जी, कमला बुआ जी क्या कह रही थी? तू तो जानती है कमला और उसकी बातें। हाँ हाँ,
बड़ी परेशान है हमारा प्यार देखकर। अरे ना समझ है वो। दोनों खिलखिलाने लगती हैं। शाम को कमला मंदिर के कोने में अकेली बैठी होती है। क्या हुआ कमला बेटी? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू मुझे प्यार नहीं करती। वही गिरजा की बहू उस पर जान छिड़कती है। ये तो अपनी अपनी करनी है बेटा। गिरजा की बहू ही नहीं, गिरजा खुद भी तो अपनी बहू को जान से ज्यादा चाहती है ना। सो तो है। बस बिटिया, इसी में सारा भेद छुपा है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा ही, और कभी आपस में मन मुटाव हो भी जाए तो उस बात को भुला दो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आखिर हम सब इंसान ही है ना। ये तो आप सही कह रहे हैं पंडित जी। अब जाओ और दूसरों की बगिया में आग लगाने की जगह अपने बगीचे के पौधों को सींचो। जी पंडित जी। शिक्षा: दूसरों को अच्छा देख उनसे ईर्ष्या करने की जगह खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करती। अरे मेरा तो भाग ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान। क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छी से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहां आ जाता है। रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बस करो दोनों। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर में दीपू की बहन कल्पना का फोन आता है। अरे कैसी है रे बेटा, ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास खड़ी निधि हंसकर कहती है। अरे वाह रे ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रहती है, पर जब दोनों चुप होने का नाम तक नहीं लेती तो वो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है। अरे बस करो, यह फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई न जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ आप भी कुछ कम नहीं है, आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ते सुधारने में एक्सपर्ट है, आप दोनों उनके पास जाइए। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में नहीं मानती। देखा कहा था ना, अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर निधि मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाती है। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है, हर समय तुत्तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, आप तो बहुत ज्ञानी हैं बाबा जी। तो पाए सुनो, बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है, बात भेद अपने आप कम हो जाएंगे। बाबा का उपाय सुन अगले दिन निधि सास को चूड़ियां भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। अरे पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियां दी होंगी, तभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं।
कुछ नहीं होता। तो दूसरा उपाय सुनो, सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर, सारा कूड़ा घर से बाहर कर, ठंडे पानी से स्नान करना है, इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं, ये आपको ही करना पड़ेगा, मैं अकेली तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता है, जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम, कल मुहा ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए, चलो आराम करो। अब निधि बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो सार्कैज़म। बस बस अब जाओ और अपना काम खुद कर लो, मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। निधि की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और निधि सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और निधि आधे से ज्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती है। बहू मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी उसकी क्या जरूरत है, हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा के नहीं अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ जैसा समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का कि असली उपाय उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझना है।